आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question says, study the following information carefully and answer the questions given below. There are 9 boxes P, Q, R, S, T, U, V, W, X, but one above another, but not necessary in same order. Box P was placed just above box U. There are 2 boxes gap between Q and U. There are 3 boxes gap between T and S. There are 3 boxes gap between T and S. There is 1 box gap between R and Q. There are more than 3 boxes gap between P and R. The number of boxes above W is 1 more than number of boxes placed below V. There are more than 3 boxes gap between S and V. Box W was placed above V. Which of the following boxes placed at the bottommost position? So first of all, यहाँ पर numbering कर लेते हैं. So 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. तो यहाँ पर given है कि P was placed just above U. So जो P वाला box है आपका just above U है. फिर गिवन है देयर आर 2 बॉक्स गैप बिटवीन यू एंड क्यू, तो ये रहा यू, एक बॉक्स, 2 बॉक्स गैप यहाँ पर क्यू, या फिर ये रहा पी, ये रहा यू, 2 बॉक्स का गैप है तो 1, 2 यहाँ पर क्यू आ गया। फिर आगे गिवन है देयर आर 3 बॉक्सेस गैप बिटवीन टी एंड एस एंड 3 बॉक्सेस गैप बिटवीन टी एंड एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा टी आपके पास यहाँ आ गया, एक केस में एस को यहाँ लेते हैं, एक केस में एक्स को यहाँ पर, एक केस में x को यहाँ पर और s को यहाँ ले लेते हैं, तो 3-3 का गैप है इनके बीच में। फिर यहाँ पर गिवन है देयर इज 1 बॉक्स गैप बिटवीन r एंड q, तो ये रहा q, r यहाँ पे आ सकता है, या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये p u देन ब्लैंक देन q एंड देन ब्लैंक एंड देन r। इस केस में देखिए यही पॉसिबिलिटी है कि q एंड r के बीच में एक बॉक्स का गैप है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। फिर आगे यहाँ पर गिवन है देर आर मोर देन 3 बॉक्स गैप बिटवीन पी एंड आर, सो पी और आर के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्स का गैप होगा, तो यहाँ पर है, यहाँ पी और आर के बीच में एक बॉक्स का गैप है तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ आपके पास पी और आर के बीच में 3 ही बॉक्स है तो इसीलिए ये भी रॉन्ग हो गया, बिकॉज हमें ग्रेटर देन 3 होना चाहिए था, यहाँ पर 3 है इसीलिए रॉन्ग हो गया। अब इसको पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखो आ गया आपके पास, यहाँ आ गया पी देन यू पी यू देन उसके बाद है 2 गैप, तो 1, 2 गैप देन क्यू देन 1 ब्लैंक एंड आर। इन द सेम वे यहाँ पर आ गया आपके पास पी यू देन क्यू एंड देन आर। नाउ क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर कि डब्ल्यू से ऊपर अगर वी से नीचे एक्स बॉक्सेस हैं, तो डब्ल्यू से ऊपर आपके पास एक्स प्लस 1 बॉक्सेस होंगे, एंड गिवन है मोर देन 3 बॉक्स गैप बिटवीन एस एंड वी, और डब्ल्यू जो है वी से ऊपर आएगा, तो यहाँ 2 ही जगह है, यहाँ पर डब्ल्यू आ गया, यहाँ वी आ गया, तो यहाँ पे देखो W से ऊपर 3 बॉक्सेस हैं एंड यहाँ V से नीचे 2 बॉक्सेस हैं, सेम केस यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगा। अब देखो गिवन है कि 3 गैप से ज्यादा 3 बॉक्सेस से ज्यादा का गैप होना चाहिए S और V के बीच में, तो यहाँ पर S और V के बीच में एक ही बॉक्स का गैप है, इसीलिए ये वाला रॉन्ग हो गया। यहाँ पर ये रहा S, ये रहा V, तो मोर देन 3 बॉक्सेस का गैप है, तो जो रॉन्ग वन है वो एलिमिनेट हो गया, तो इसको रब कर देते हैं एंड दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है Which of the following box is placed bottom most position? So bottom most position पे जो box है that is X, and X आपका option number 4 है, so option number 4 X is the correct answer. Thank you. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज्यादा students का भरोसा। आज ही download करें Doubtnut app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400400400 पर।